लोक आस्था का महापर्व छठ। आज शाम को छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पटना के गंगा घाटों पर उमड़ेंगे। पटना के गंगा के घाटों के साथ साथ मोहल्लों में भी घाट निर्माण का कार्य चालू है। साफ तौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पटना का कदम कुआं स्थित बुद्ध मूर्ति घाट है। ये बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर और यहीं पर हर साल अस्थाई छठ घाट का निर्माण जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और स्थानीय लोगों की मदद से किया जाता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से साज सज्जा यहाँ की गई है। शाम को छठ व्रती इसी घाट पर उमड़ेंगे और भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि इस घाट में पाइप के जरिए पानी भरा जा रहा है। छठ व्रतियों के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। हर साल इस घाट पर लोग जुटते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं और आज शाम भी डूबते हुए सूर्य को इसी बुद्ध मूर्ति से लोग अर्घ देंगे और सैकड़ों की संख्या में जो पर्वती हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। इस घाट का निर्माण हर साल किया जाता है स्थानीय लोगों की मदद से और जिला प्रशासन और पटना नगर निगम की मदद से इस घाट का निर्माण किया जाता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ शाम में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में व्रतियों के जुटने का अनुमान है, किस तरह से इस घाट का निर्माण कराया गया है और किन किन कमेटियों या लोगों ने सहयोग किया? ये हमारे बुद्ध मूर्ति जीर्णोद्धार समिति खुद ये कमेटी के माध्यम से सभी पटना नगर निगम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर जब से वो गद्दी पर बैठे, जब से वे सरकार के नगर निगम के अथी में इसको ऐड करवाए और तब से लगातार हम करते आ रहे हैं। लगभग कितने सालों से इस घाट पर व्रती अर्घ दे रहे हैं? 25 साल से हम खुद करवा रहे हैं। तो 25 साल से है कि 25 साल से पटना के कदम कुआं स्थित बुद्ध मूर्ति के इस घाट का निर्माण होता आया है और व्रती यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ देते आए हैं और आज शाम भी सैकड़ों की संख्या में व्रती यहाँ पर जुटेंगे और भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।